हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर जसपाल जसपाल रावत। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेस सीखे, कैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। इस वीडियो में आर्टिकल्स का क्या रोल है और उनको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन एंड द। अ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल है। अ और एन का उपयोग हम किसी एक वस्तु या एक आइडिया के लिए करते हैं। द का उपयोग हम पर्टिकुलर वस्तु या पर्टिकुलर आइडिया के लिए करते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन को लेकर। अ और एन एक वस्तु या एक आइडिया के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो कौन सी वस्तु को अ लगना चाहिए, कौन सी वस्तु को एन लगना चाहिए और क्यों लगना चाहिए, सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे यानी कि एबीसीडी की तरफ जाना पड़ेगा। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वॉवेल्स। 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं। बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ। हिंदी में व्यंजन कहते हैं। चलो जानने की कोशिश करते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू को स्वर यानी कि वॉवेल्स क्यों कहते हैं और बी, सी, डी, एफ वगैरह को व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स क्यों कहते हैं, क्या फर्क है दोनों में, आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, कभी आपने जानने की कोशिश की कि स्वर को स्वर क्यों कहते हैं, व्यंजन को व्यंजन क्यों कहते हैं, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स इन्हें अलग अलग क्यों किया गया है, क्या फर्क है दोनों में, कभी किसी से पूछा? नहीं, आइए मैं बताता हूं आपको इनका फर्क। फॉर स्पीकिंग वी नीड द हेल्प ऑफ, बोलने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? टंग, जुबान, टीथ, दांत, अपर पैलेट ऊपर का ताड़ू, लोअर पैलेट नीचे का ताड़ू और लिप्स यानी कि होंठ। किसी भी लेटर या वर्ड का उच्चार करने के लिए हमें इनमें से किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है। पर क्या आप जानते हो, कुछ कुछ लेटर्स हैं जिनके लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती है और उन्हीं को हम वॉवेल कहते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, आपको भी ऐसे ही करना है। जुबान बाहर निकालना है और बोलने की कोशिश करना है, ए, ए, आ, ए, ए। इसी तरह आप
हिंदी के भी स्वर बोल सकते हो। इसका मतलब है कि स्वर बोलते वक्त आपको पांच चीजों में से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उन्हें स्वर या वॉवेल्स कहा जाता है। इन वॉवेल्स को हम अनइंटरप्टेड साउंड भी कहते हैं। इनके बोलने में कोई भी रुकावट नहीं है। दोस्तों, अगर हम एक वॉवेल साउंड के बाद दूसरे वॉवेल साउंड का उच्चार करते हैं तो वो क्लियर सुनाई नहीं देते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। जैसे मुझे कहना है अ अम्ब्रेला, तो मैं कहूंगा आई बॉट अ अम्ब्रेला, तो इसमें अ बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, इसलिए हम लोग एन का उपयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपका वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल अ व्हेन द वर्ड बिगेंस विथ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल अ लगाते हैं। सम एग्जाम्पल्स, अ पेंसिल, अ हाउस, अ कैट। एक पेंसिल, एक घर और एक बिल्ली। अब सीखते हैं एन के बारे में। द वर्ड एन शुड बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ड beginning with the sound of any one of the following vowels such as A, E, I, O and U. A, E, I, O, U का उच्चार होने वाला साउंड के पहले N का उपयोग किया जाता है। देखते हैं कुछ examples. An apple, an engineer, an ink bottle, an owl, an umbrella, an idiot. Friends, vowel से शुरू होने वाले हर वर्ड के पहले एन लगेगा ये जरूरी नहीं है, उसका उच्चार वॉवेल जैसा होना चाहिए। इंग्लिश में 20 प्रकार के वॉवेल साउंड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वॉवेल साउंड है और कौन सा वॉवेल साउंड नहीं है? है तो ये कंफ्यूजिंग कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वॉवेल साउंड है या नहीं है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी टिप देता हूं, उसे फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से अ और एन का उपयोग कीजिए। We can make out the vowel sound using Hindi swars. हिंदी के स्वर्स का यूज करके हम वॉवेल साउंड का पता लगा सकते हैं, जैसे अ आ ई ई उ ए ए ओ औ हम अ। इसके साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम एन का उपयोग करेंगे। चलिए सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अम अ, ये है हमारे हिंदी के स्वर। अब इनके द्वारा हम कैसे अ और एन सीखते हैं देखिए। इंजीनियर, इंजीनियर ई से शुरू होता है तो एन। आउल, आ से शुरू होता है तो उसके पहले एन लगेगा। अम्ब्रेला, अम से शुरू होता है तो उसके पहले एन लगेगा। एलिफेंट, ए से शुरू होता है उसके पहले एन लगेगा। यूरोपियन, ये किसी भी स्वर को मैच नहीं कर रहा है, यू से शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी, ये भी किसी स्वर को मैच नहीं कर रहा है, तो इनके पहले एन लगाना गलत है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स। N is not used in words like one-eyed man and one rupee note.
वन रुपी नोट या वन आईड मैन के पहले भी एन नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उच्चार व से होता है और व जो है वो वोवेल साउंड नहीं है। कुछ कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं जिनके पहले एन लगता है, तो कौन से हैं वो वर्ड्स? जैसे कि ऑनेस्ट मैन, आर, ऑनरेबल, इनके पहले एन लगता है जबकि ये कॉन्सोनेंट एच से शुरू होते हैं। क्यों लगता है? सिंस द फर्स्ट अल्फाबेट एच इज साइलेंट, पहला अल्फाबेट एच साइलेंट है तो उसका साउंड ओ के जैसे आता है। ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल, आर, इसके लिए उसके पहले एन का यूज किया जाता है। यही रूल एब्रिविएशन फॉर्म या एक्रोनिम्स के आगे भी लगता है, जैसे कि एमए, एमएलए, मिस्टर राम इज एन एमए, ए जो है वो वोवेल साउंड है तो उसके पहले एन लगता है। मिस्टर परमार इज एन एमएलए, फिर वही रूल है। दिस इज एन एनजीओ ऑफिस तो उसके पहले एन लगेगा। ही इज एन आरटीओ ऑफिसर, आ वोवेल साउंड है तो उसके पहले एन लगेगा। ये सारे रूल्स एक्रोनिम्स के लिए भी लागू होते हैं। अब तक हमने इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपका अ और एन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। अगर मेरे इस वीडियो से आपको फायदा होता हो तो इसे लाइक कर देना। नीचे राइट साइड पर सब्सक्राइब है, वहां पर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल शेप बटन आएगा, उस पर क्लिक करना। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, नीचे कमेंट्स जरूर लिखें, इससे मुझे फीडबैक मिलता रहेगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप और क्या जानना चाहते हो या फिर वीडियोस में और क्या चेंजेस चाहते हो, तो कमेंट्स जरूर लिखें। अब हम सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। द जो है वो निश्चित आर्टिकल है। द इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी आदमी किसी वस्तु के बारे में हम बोलते हैं उस वक्त हम द का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, दिस इज द बॉय हु स्टोल माय मोबाइल, यही वो लड़का है जिसने मेरा मोबाइल चोरी किया। आई डिड नॉट लाइक द मूवी, मुझे वह फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो किताब तुम्हें चाहिए वो इस वक्त प्रिंट में नहीं है। तो पर्टिकुलर लड़का, पर्टिकुलर मूवी और पर्टिकुलर किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर व्हेन ए सिंगुलर नाउन, एनिमल और थिंग स्टैंड फॉर ए होल क्लास ऑफ एनिमल और थिंग, जब एक चीज पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं द महाराष्ट्रियंस सेलिब्रेट गणपति, तो इसके महाराष्ट्रियंस के पहले हम लोग द लगाते हैं, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जितने भी महाराष्ट्रियंस हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है, ये सभी कुत्तों के लिए है, दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो सारे कैमल के लिए है ये। तो जब एक चीज पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है तो उसके आगे द लगता है।
डेफिनेट आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज्ड, यहां पे भी उसका प्रयोग होता है बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के आगे द का उपयोग होता है, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे मजबूत। इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी द का उपयोग होता है, जैसे मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, इंसान सभी जीव जंतुओं में सबसे बुद्धिमान है, द मोस्ट। रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ये भी सुपरलेटिव डिग्री का है, रानी क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, तो मोस्ट के आगे द का उपयोग होता है। द इज यूज्ड विथ ऑर्डिनल्स, दो प्रकार से हम नंबरों की गिनती करते हैं, पहला वाला है 1, 2, 3, 4, 5, ये कार्डिनल्स है, और दूसरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डिनल्स है। तो द फर्स्ट बॉय, द नाइन्थ चैप्टर, तो ये ऑर्डिनल्स के आगे भी द का उपयोग होता है। फर्दर यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द और कहां पे यूज किया जाता है, व्हेन वी रिफर टू द स्क्रिप्चर्स सच एज पौराणिक या धार्मिक किताबों के आगे, द बाइबल, द कुरान, द गीता, तो इनके आगे द लगता है, द उपनिषद, द वेदास। डेफिनेट आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज विथ, यहां पे भी द का उपयोग होता है, व्हेन वी रिफर टू न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स, जब हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह के बारे में बोलते हैं तो वहां पे हम द का उपयोग करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है, इसके पहले हम लोग द लगाते हैं, द रीडर्स डाइजेस्ट, इसके पहले हम द का उपयोग करते हैं। आर्टिकल द इज यूज व्हेन रिफरिंग टू नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस और माउंटेन्स, जब नदियां, महासागर या पर्वत श्रृंखला के बारे में हम बात करते हैं तब भी हम लोग द का यूज करते हैं, उदाहरण के तौर पर द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द कावेरी, द हिमालयास, द आल्प्स, द सह्याद्रीस, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, इन सब के आगे हम द का उपयोग करते हैं। अब हम सीखेंगे कहां पे आर्टिकल्स का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, एक्सेप्शंस टू द यूज ऑफ आर्टिकल। वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल इन द प्लूरल नंबर सच एज, जहां पे भी अनेक वचन है और हम उनको गिन सकते हैं उसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते हैं, जैसे चॉकलेट्स, इनको हम गिन सकते हैं तो हम लोग द चॉकलेट नहीं बोलेंगे, अ चॉकलेट नहीं बोलेंगे, एंड चॉकलेट्स नहीं बोलेंगे, बेलून्स, चिल्ड्रन, इनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और कहां पर आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक संज्ञा, इसके आगे आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता है, जैसे ब्यूटी, सुंदरता, हंगर, भूख, हैप्पीनेस, खुशी, बचपना, बुढ़ापा, जवानी, लव, इनके आगे आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता है क्योंकि ये भाव हैं। उदाहरण के तौर पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है,
ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, खुशी हमारे दिमाग की उपज है। और कहां पर आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते हैं? बिफोर ए प्रॉपर नाउन, जब हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं, निश्चित नाउन होता है। उदाहरण के तौर पर मुंबई इज द फाइनेंशियल हब, मुंबई आर्थिक राजधानी है। ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ताजमहल एक सुंदर स्मारक है। तो द मुंबई नहीं बोलेंगे, अ मुंबई नहीं बोलेंगे, एन मुंबई नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार ताजमहल के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मटेरियल नाउन्स, मटेरियल यानी कि जैसे रॉ मटेरियल होता है जिससे हम किसी चीज को बनाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब मटेरियल नाउन्स है। गोल्ड इज द किंग ऑफ मेटल्स, सोना जो है वो धातुओं में राजा गिना जाता है। तो द गोल्ड नहीं बोलना है, अ गोल्ड नहीं बोलना है, एन गोल्ड नहीं बोलना है। शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, शक्कर शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो द शुगर, अ शुगर, एन शुगर, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। यहां पर भी आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता है। कोई रिलेशंस के आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फादर हैज कम होम अर्ली टुडे, पिताजी आज जल्दी घर आ गए हैं। तो द, अ, एन, फादर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आंट वॉन्ट्स टू सी ए मूवी टुडे, आंटी आज मूवी देखना चाहती है। भाषा के आगे हम आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है इंटरनेशनल भाषा है। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता है लैंग्वेज के आगे। और कहाँ पर नहीं होता है? किसी देश के नाम के आगे आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। चाइना इज डेवलपिंग एज ए सुपर पावर, चाइना महाशक्ति के रूप में उभर रही है, तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत में अनेकता में एकता है, तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। किसी देश के नाम के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स इफ इट इज नॉट ए कंट्री। आर्टिकल का उपयोग हम आइलैंड के पहले कर सकते हैं अगर वह देश नहीं है तो। आइलैंड यानी कि बेट या टापू। द अंडमान एंड द निकोबार, इसके आगे हम द का उपयोग करते हैं। द कैरेबियन आइलैंड, जिसे हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, यहां पे हम द का उपयोग कर सकते हैं। द श्रीलंका, यहां गलत होगा क्योंकि यह एक देश है। भले ही श्रीलंका भी एक टापू है, एक आइलैंड है, पर यहां पे हम द का उपयोग नहीं करेंगे। द ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक देश है, एक खंड है। देश के आगे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो क्या है वो एक्सेप्शन? द इज यूज बिफोर सम ऑफ द कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड लाइक रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड एक्सेट्रा। जहां पे रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड का उपयोग किया जाता है उसके आगे द लगता है। जैसे द आयरिश रिपब्लिक, ये भी एक देश का नाम है लेकिन रिपब्लिक है, इसके लिए इसके आगे द लगता है। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सब के आगे हम
द का उपयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है अब तक आपको कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, कहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, किसको अ लगाना है, किसको एन लगाना है, ये समझ में आ चुका होगा। आपको कितना समझ में आया है ये जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए सेट करने की कौन कौन से आर्टिकल्स लगेंगे यहाँ पे। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का मैप है, पर्टिकुलर कंट्री का मैप है, पर्टिकुलर मैप होगा। सेट बैक द क्लॉक, इट इज आर लेट, पर्टिकुलर घड़ी है जो पीछे चल रही है उसे सेट करना है, इसलिए द। द डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस, अब इस केस में कोई उम्मीद नहीं बची है, ये एक होपलेस केस हो गया है, तो अ का उपयोग करते हैं। अगले एग्जाम्पल में चिल्ड्रन के आगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि चिल्ड्रन काउंटेबल नाउन है। चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, बच्चों को एक अंडा मिला घोंसले में। सिलोन इज एन आइलैंड, सिलोन जो है एक बेट है, एक टापू है, तो आइलैंड है, आ से उच्चार होता है इसलिए एन। इन एग्जांपल्स को भी देखिए और आंसर जानने की कोशिश कीजिए। चलो अब सॉल्व करते हैं। काका गॉट द बेस्ट प्रेजेंट, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, उसके पहले द लगता है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सुपरलेटिव डिग्री है लॉन्गेस्ट, उसके पहले द लगता है। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, वह एक उल्लू की तरह बेवकूफ लगता है, आउल है उसके पहले एन लगेगा। मुंबई इज अ वेरी डियर प्लेस टू लिव इन, मुंबई एक महंगी जगह है रहने के लिए, अ। I like to live in the open air, खुली हवा में रहना पसंद करता हूं। Have you never seen an elephant? क्या तुमने कभी हाथी नहीं देखा है? Elephant a vowel sound है, उसके पहले n लगेगा। कुछ और examples देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब तक तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ जो है पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है इसलिए उसको द काउ लगेगा, और एक उपयोगी जानवर है तो एक के लिए अ लगेगा। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज सारे रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सुंदर फूल है उसके लिए अ लगेगा। ही इज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है, एक के लिए अ लगेगा। यस्टरडे एन इडियट कॉल्ड एट माई ऑफिस, एक बेवकूफ ने मेरे ऑफिस पे फोन किया, यहाँ पे एक के लिए हम एन लगा रहे हैं क्योंकि उसके बाद वोवेल साउंड है इडियट ई। द गाइड नोस द वे, गाइड को रास्ता पता है, पर्टिकुलर रास्ता है गाइड को पता है इसलिए द। हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, घोड़ा एक ऊंचे श्रेणी का प्राणी है तो उसके लिए हम अ लगाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका अ एन और द इनडेफिनेट
और डेफिनेट आर्टिकल्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब आपके मन में आर्टिकल्स के विषय में कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।